भारत चांद पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब अंतरिक्ष में भारतीय यात्रियों को भेजने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गगनयान के लिए इसरो को अपना पहला क्रू मॉड्यूल मिल गया है, जिसकी जानकारी आज ट्विटर पर दी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज ट्वीट करके बताया कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण जल्द ही शुरू करने वाला है। इसरो ने इस मिशन के क्रू मॉड्यूल की 4 फोटो भी ट्विटर पर पोस्ट की है, जिसमें देखा जा सकता है कि गगनयान मिशन का पहला परीक्षण लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। इस क्रू मॉड्यूल को कई स्टेजों में विकसित किया गया है। इसमें प्रेशराइज्ड केबिन होगा ताकि बाहरी वायुमंडल या स्पेस का असर एस्ट्रोनॉट्स पर ना पड़े। टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 के लिए क्रू मॉड्यूल तैयार है। इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग हो चुका है। अब इसे लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा भेजा जाएगा। इसरो ने ट्विटर पर तो इसकी लॉन्च तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन जब हमने इसरो में उपलब्ध अपने एक इनसाइड सोर्स यानी एक सीनियर वैज्ञानिक से जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने बताया कि ये लॉन्च इसी महीने 25 या 26 अक्टूबर को होने वाला है। इसरो ने आज ट्विटर पर आगे जानकारी देते हुए बताया कि पहली गगनयान की मानव रहित फ्लाइट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 की तैयारी चल रही है, जो क्रू एस्केप सिस्टम को प्रदर्शित करता है। इसमें 2 पेलोड, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट शामिल है। क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे, जबकि क्रू एस्केप सिस्टम वो हिस्सा है जो अगर कोई समस्या आई तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूर ले जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं इस टेस्ट में क्या होगा। इन दोनों मॉड्यूल्स की टेस्टिंग के लिए इसरो ने सिंगल स्टेज के लिक्विड रॉकेट का डेवलपमेंट किया है। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल CM और क्रू एस्केप सिस्टम CES होंगे। ये दोनों आवाज की गति से ऊपर जाएंगे, फिर 17 किलोमीटर की ऊंचाई से एबॉर्ट सीक्वेंस शुरू होगा और वहीं पर क्रू एस्केप सिस्टम डिप्लॉय होगा, यानी रॉकेट से अलग होगा, फिर पैराशूट से नीचे आएगा। क्रू मॉड्यूल को एबॉर्ट मिशन पूरा करने के बाद बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगा, जहां से भारतीय नौसेना की टीम रिकवर करेगी। अब आपके मन में सवाल होगा, ये एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 क्या है? तो आपको बता दें, इस मिशन के 3 लॉन्च होंगे। पहले लॉन्च, जो इसी महीने 25 या 26 अक्टूबर को होना है, उसको TVD-1 नाम रखा गया है। इस बार CM यानी क्रू मॉड्यूल पूरी तरह से मानव रहित होगा, यानी इस बार इंसानों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि खाली क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजकर ये टेस्ट किया जाएगा कि ये इंसानों को ले जाने के लायक बना भी है या नहीं। इसकी सफलता के बाद दूसरा लॉन्च भी, जो इसी साल होने वाला है, जिसको TVD-2 बोला जाएगा, उसमें एक महिला रोबोट को क्रू मॉड्यूल में बैठाकर अंतरिक्ष में भेजकर ये टेस्ट किया जाएगा कि जब ये इंसानों को ले जाएगा तो उनके शरीर पर क्या असर होगा। हेलो एवरीवन, आई एम व्योममित्रा, द प्रोटोटाइप ऑफ द हाफ ह्यूमनॉइड बीइंग मेड फॉर द फर्स्ट अनमैन्ड गगनयान मिशन। इस रोबोट को इसरो द्वारा बना लिया गया है, जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इसकी सफलता के बाद अगले साल तीसरा और अंतिम लॉन्च होगा, जिसको LVM-3G-1 बोला जाएगा। उसमें भारतीय वायुसेना के 3 पायलट्स को क्रू मॉड्यूल में बैठाकर 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाल ही में इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये वायुसेना के जवान जिम में व्यायाम करते दिख रहे थे। गगनयान मिशन को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। भारत के इस अगले गगनयान मिशन के लिए आप किस
कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गगनयान मिशन पर हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।